subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो सिल्वर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 55,587 पे, लगभग 552 रुपीस के गेन के साथ 1% ऊपर। मगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो मंथली चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 5.5% नीचे, और जो मेरा टारगेट था 55,000 का वो अचीव हो चुका है। यहाँ जो है तो अभी हम जो है तो ऑन मंथली चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं 50 मंथ का जो एवरेज है उसके अराउंड। अगर इसके नीचे स्लिप करता है मार्केट तो आपको यहाँ से जो है अच्छे खासे डाउन साइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो लास्ट 4 मंथ से सिल्वर जो है तो कंटिन्यूसली नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। यहाँ हमारा जो पहला टारगेट था 55,000 का लॉन्ग टर्म वो अचीव हो चुका है। इसके नीचे जाते हैं तो आपको 49,000 के भी लेवल आते हुए देखेंगे सिल्वर में, और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ ब्रेकडाउन का खतरा ज़्यादा है सिल्वर को, तो आपको वॉच करना है 55,000 का लेवल। अगर उसके नीचे जाता है तो 49,000 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन लॉन्गर टर्म। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि लगभग लास्ट 7 वीक से सिल्वर जो है तो नेगेटिव में ही क्लोज हो रहा है। तो यहाँ क्लियर कट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुकिंग चालू है, और यहाँ हम 200 वीक का जो एवरेज है उसके अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, उसके लगभग पास में ही ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ वीकली चार्ट पे इंडिकेटर वाइज हम ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है सिल्वर में, जो इसको लेकर जा सकता है 63,000 के लेवल की तरफ, जहाँ मोस्ट ऑफ दी एवरेजेस है। तो यहाँ एक कॉन्ट्रा व्यू बनता है सिल्वर में, जिसका टारगेट 63,000 रहेगा, मगर आपको स्टॉप लॉस जो है तो 55,000 के नीचे रखना पड़ेगा, और वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 55,000 के नीचे। या फिर जो इस कैंडल का लो है, तो इस कैंडल का लो है 54,500, तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा मीडियम टर्म के लिए। और टारगेट रहेंगे 63,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है तो सिल्वर नीचे 49,000 का लेवल भी आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और यहाँ जो है तो 56,000 के नीचे सिल्वर जो है तो वीक ही रहेगा, एज पर वीकली चार्ट टारगेट रहेंगे 49,000 के। मगर यहाँ एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, और जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा जो है 54,500, और टारगेट रहेगा 63,000 का। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे भी सिल्वर जो है तो डीपली ओवरसोल्ड लग रहा है, और हम यहाँ जो है तो एक बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक जो आएगा यहाँ भी शॉर्ट टर्म के लिए भी वही ट्रेड रहेगा, 54,500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट रहेंगे आपके शॉर्ट टर्म में, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। रिवॉर्ड भी ज़्यादा है मगर रिस्क ज़्यादा रहेगा, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है। ऊपर जो है तो आपको 58,400 और उसके बाद में जो है तो 60,000 के टारगेट जो है तो सिल्वर दिखा सकता है इन शॉर्ट टर्म, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा आपका 54,600 का। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल बनी है उसने जो लो था वो डिफेंड किया है, तो हो सकता है कि आपको जो है तो अगले हफ्ते एक शॉर्ट कवरिंग रैली सिल्वर में देखने को मिले, और जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी उसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 58,400 से लेकर 60,000 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मगर यहाँ स्टॉप लॉस आपका जो रहेगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा, 54,500 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेसिस पे रखना होगा, और ये स्टॉप लॉस जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमने डेली चार्ट देखा, यहाँ ओवरसोल्ड है, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और यहाँ जो है तो एक रिस्की लॉन्ग बनता है। वीकली चार्ट पे भी एक मीडियम टर्म लॉन्ग पोजिशन बनती है, उसका भी स्टॉप लॉस सेम रहेगा, जो टारगेट रहेगा मीडियम टर्म में वो 63,000 का बन सकता है। और मंथली चार्ट पे यहाँ क्रिटिकल लेवल पे है सिल्वर, अगर हम 55,000 के नीचे क्लोज होते हैं मंथली बेसिस पे तो आपको लॉन्ग टर्म करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट जो है तो 49,000 से लेकर 45,000 के टारगेट रह सकते हैं। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ शोर शॉट कमोडिटी कॉल में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।